रेडियो जमहूरियत है, मैं आप सबको वेलकम करते हैं। आज आप ये देखकर हैरान हो रहे होंगे कि हम असेंबली में क्यों नहीं है, क्योंकि असेंबली में 90% झूठ बोला जाता है। इसलिए रमजान के एहतराम में हमने माह रमजान में अपनी असेंबली को बंद कर दिया है। एक तहकीक के मुताबिक मर्द जिंदगी का एक साल औरतों को घूरते गुजार देते हैं। मेरे ख्याल से ये तहकीक नामुकम्मल है, जबकि बाकी साल औरतों को समझने में गुजार देते हैं। जबकि औरतें अपनी जिंदगी के आधे साल मेकअप करने में गुजार देती हैं और बाकी के आधे साल भी मेकअप करने में गुजार देती हैं। खबर है कि पिछले दिनों सेनेट में बहस से इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान का हर बच्चा 1,12,000 का मकरूज है। अच्छा, इसका मतलब है कि शेख रशीद साहब ने इसीलिए शादी नहीं की कि शादी होगी तो बच्चे होंगे और बच्चे होंगे तो वो मकरूज होंगे। वैसे इस खबर के बाद तो हर पाकिस्तानी वालदैन को ऐसे लगेगा कि जैसे वो बच्चे नहीं कर्जे पाल रहे हैं। आइए देखते हैं इमरान खान साहब पनामा पर नवाज शरीफ से 7 सवालों के बाद कितने सवालों पर आ गए हैं। सवालों के जवाब ही दे दें। ओ मियां साहब, खुदा का वास्ते जवाब दे दें। मियां साहब जवाब दे दें। कहीं आप भी पहले डॉक्टर साहब की तरह हाल सकता हूँ नहीं। अब कैसी तबीयत है आपकी? माशाल्लाह, फिट हो आप? साहब 7 नहीं, 4 नहीं, चले 3 सवालों का ही जवाब दे दें। जवाब दे दें। मियां साहब, 7 सवाल नहीं, ना सही, 4 सवाल, बल्कि अब 3 सवाल भी छोड़े, 1 सवाल का जवाब दे दे, बल्कि आप कोई भी जवाब दे दे, मैं उसमें से खुद ही सवाल बना दूंगा, तो आपकी और मेरी मीडिया में और आवाम में इज्जत रह जाएगी। और तुम मियां साहब किधर है? उनको तो आज सुबह ही हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज कर दिया, वो तो अब तक घर भी पहुंच गए होंगे। क्या तुम मुझसे 6-7 सवालों का जवाब पूछ लो तो मैं तुमको जवाब दूंगा। मुंह बंद करो। साहब ने कहा है कि वतन वापस आऊंगा और 17 को पंजाब असेंबली के सामने धरना दूंगा। इसका मतलब कि ताहिरुल कादरी साहब का पूरा शेड्यूल ये था कि 15 को पाकिस्तान आएंगे और 17 को पंजाब असेंबली के सामने धरना देंगे, 18 को आवाम से कस्मे और वादे लेंगे और 21 को कनाडा वापस चले जाएंगे, जैसे कि हमेशा होता है।
दूसरे मुल्कों में चांद देखकर पता चलता है कि माह रमजान आ गया है, मगर पाकिस्तान में महंगाई देखकर पता चल जाता है कि माह रमजान आ गया है। आइए देखते हैं इस हवाले से एक स्केट। यार ऐसा करें कि 2 किलो आम और 2 किलो सेब और 2 किलो आड़ू और 1 गरमा भी ये कर दें, ये वाला ठीक है साहब, ये पैक कर दें। नहीं साहब जी, अच्छा जी, सारा सामान पैक हो गया। हाँ ठीक है, तो कितने पैसे हुए ये सारे? पैसे आपके पूरे 1200 रुपए। ये 1200 जी। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, रमजान का चांद नजर आ गया है, कल पहला रोजा होगा। आपको जी रमजान मुबारक हो, और ये आपके 1200 रुपए हैं। खैर मुबारक, कौन से 1200 रुपए? ये फ्रूट ली है ना जी, उसके 1200 रुपए। 1200 रमजान से पहले की कीमत थी, अब तो रमजान का चांद नजर आ गया है। बड़ा ही बरकत वाला महीना है ये, इसलिए अब आपके हो गए पूरे 2000 रुपए। क्या जी, अब पूरे 2000 रुपए निकालें, नहीं तो फाली दरी रख दें। ये ले 2000।